मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज अपने शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 1.6। पहला क्वेश्चन है मान के याद करना है, तो इसमें अपने घातांक के नियम लग रहे हैं। देखो तो 64 × 1/2, 1/2 पावर का मतलब होता है कि उसका क्या करना है आपको, वर्गमूल निकालना है। तो 64 का वर्गमूल निकालना है, या 64 को क्या ले सकते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 1 में 64 को लिख सकते हैं 2 की पावर 6। ठीक है, 2 की पावर 6 और इसकी पावर है 1/2, तो 2 की पावर 6 इंटू, फिर ये घातांक का नियम होता है 2 की पावर m और उसकी पावर n होता है, तो 2 की पावर m इंटू n हो जाता है ना। तो ऐसे 2 की पावर 6 इंटू 1/2, तो 2 की पावर इसको काटेंगे तो 2 की पावर 3 से ये कट जाएगा, 2 की पावर 3 से कट जाएगा, 2 की पावर क्या हो जाएगा, 2 की पावर हो जाएगा 3। 2 की पावर 3 को हल करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, 8। क्वेश्चन नंबर 2, 32 की पावर 1/5, तो 32 के पहले अभाज्य गुणनखंड करो, ठीक है, भाग दोगे तो ये 2 की पावर क्या हो जाएगा, 5, और 2 की पावर 5 को 1/5 से गुणा करेंगे, 5 से 5 कट जाएगा, 2 की पावर 1 रह जाएगा, आंसर आ जाएगा 2। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 है 125, और 125 क्या होता है, 5 की क्यूब होती है, तो 3 × 1/3 बराबर 3 × 1/3, ठीक है, 3 से 3 कट जाएगा, 5 की पावर 1 रह जाएगा, इसका मतलब आंसर आ गया 5। ऐसे ही नेक्स्ट 4 नंबर, 125 -1/3 बराबर 5 की क्यूब, मतलब 125 क्या हो गया, 5 की क्यूब हो गई, और उसके बाद एक 5 की क्यूब हो जाएगा, तो 5 की क्यूब × 3 × -k कर जाएंगे, तो 3 से 3 कर जाएगा, क्या रहेगा, 3 की पावर -1 रह गया, और 3 की पावर -1 है, तो -1 की पावर को अगर +1 करना है तो उसको क्या करो, अगर हर अंश में है तो उसको हर में ले जाओ, और हर में है तो उसको प्लस अंश में ले जाओ, तो वो प्लस की हो जाती है, तो ये हो जाएगा प्लस का, और इसके ये आपका हो जाएगा 3 की पावर -1 है, तो इसको बटे में ले आएंगे तो 1/3 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 सेम एज इज वैसा कैसा सवाल है, 9 × 1/2 है, 9 क्या होता है, 3 की स्क्वायर होती है, और 3 की स्क्वायर को 1/2 से गुणा करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, 3 रह जाएगा। 32 अगला है, 32 की पावर 2/5, तो 32 की पावर 5 क्या होती है, 2 की पावर 5 होती है, ठीक है, 2 की पावर 5 × 2 × 5 2/5, 2/5 से 5 5 कट जाएगा, 2 की स्क्वायर हो जाएगा, 2 की स्क्वायर क्या आ जाएगी, 4। ऐसे ही अगला क्वेश्चन नंबर 3, 16 की पावर 3/4 बराबर 2 की 16 क्या होता है, 2 की पावर 4 होती है, ठीक है, तो ये अगले क्वेश्चन में ना यहाँ 3/4 लगाना है आपको, इसमें लगा हुआ नहीं है, ठीक है, 3/4, तो ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 4 × 3/4, तो 3 4 से 4 कट जाएगा, 2 की पावर क्या रह जाएगा, क्यूब, और 2 की क्यूब क्या होती है, 8। ठीक है, कंप्लीट हो गया ये क्वेश्चन। और ये अगले ये ना ये जो दूसरे का ये दूसरे पहले के ना 3 ही क्वेश्चन है, उसके बाद ये जो ना दूसरे का ये चौथा क्वेश्चन यहाँ है 125 की पावर -1/3, तो ये 125 के साथ वहाँ करना है। क्वेश्चन नंबर 3 सरल कीजिए, 2 की पावर 2/3 × 2 की पावर 1/5, देखो आधार ये एक नियम है घातांक का, कि अगर आधार समान होते हैं तो घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, अगर दोनों संख्याएं समान हैं और गुणा के बीच में निशान हो, ठीक है, तो उनके घातें होती हैं ना वो क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो देखो 2 की पावर 3 2/3 और 2 की पावर 1/5 है, तो इसमें देखो 2 की पावर क्या हो जाएगी, दोनों घातें जुड़ जाएगी, 2/3 + 1/5 बराबर एलसीएम ले लो फिर इसका, देखो ये देखो एलसीएम लिया हुआ है, एलसीएम ले लिया, ठीक है, एलसीएम आ जाएगा 15, हल करेंगे 10 + 3 तो 18/3 क्या आ जाएगा, 15 आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अगला 1/3 × 3 3/7, तो इसको हल करेंगे तो 1/3 क्या हो जाएगा, 3 की 1/3, देखो अब देखो 1 की क्यूब लगा दो या 3 की पावर 3 लगा दो, एक ही बात है ना, तो 1/3 × 7 तो 3 आ जाएगा 7/8। क्वेश्चन नंबर तीन है 11/1/2 / 11 से 1/4, तो देखो जब ये क्या बटे में है ना, तो इसको ले जाओ ऊपर गुणा में माइनस के, तो देखो भाई सेम चीज़ हो जाएगी, घातांक समान है तो आधार घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी आपकी। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन नंबर आपका 4, 7 की पावर 1/2 × 8 की पावर 1/2, तो दोनों की इसमें क्या है, इसमें आपके आधार इसमें आधार अलग अलग है लेकिन घातें क्या हैं, सेम है, तो दोनों को 7 में लिख दो, 7 × 8 × 1/2, अब हो जाएगा 56 56 की पावर 1/2, अब 1/2 का मतलब वर्गमूल होता है लेकिन 56 किसी की स्क्वायर नहीं होती, तो 56 के वर्गमूल नहीं निकलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपका ये एक्सरसाइज नंबर
एक्सरसाइज नंबर 1.6 कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। और अपने नेक्स्ट क्लास में अपने सेकंड एक्सरसाइज शुरू करेंगे। पहली एक्सरसाइज यहाँ तक कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो आगे कोई दिक्कत हो तो अपने अब एक्सरसाइज नंबर 2 है वो अपने शुरू करेंगे। तो कोशिश करेंगे कि अच्छे से हो एक्सरसाइज नंबर 2। तो 1.3 में ये घातांकी नियम है, तो ये घातांकी नियम आप 2 की पावर m × 5 की पावर 2 की पावर m × 2 की पावर n, तो आधार समान होते हैं, घातीय जुड़ जाती है, मतलब 2 की पावर m + n हो जाती है, 2 की पावर m × 2 की पावर m और उसकी पावर n है, तो 2 की पावर m × n हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो ये आप एक बार रिपीट देख लेना दोबारा, ठीक है। बुक में देखोगे घातांक के नियम मिल जाएंगे आपको, और ये क्वेश्चन इसमें हल किए हुए हैं, तो ये आपको नोट करने हैं, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक सबको।